अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा 5 के हिसार शहर में हुआ 6 और उन्होंने 1989 में IIT खड़गपुर से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में 1992 में वे भारतीय नागरिक सेवा ICS के एक भाग भारतीय राजस्व सेवा IRS में आ गए और उन्हें दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार के कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए ही उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू कर दी। साथ प्रारंभ में अरविंद ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी सीधी टक्कर लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित से थी। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,864 मतों से हराया। अरविंद केजरीवाल को कुल 44,269 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके मुकाबले शीला दीक्षित को केवल 18,405 मत प्राप्त हुए। 15, 16, 17, 18 नौकरशाह से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिज्ञ बने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार प्रवेश किया। आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई। 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 20 तक 49 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अरविंद लगातार सुर्खियों में बने रहे। नवभारत टाइम्स ने लिखा, केजरी सरकार एक्शन ड्रामा इमोशन सस्पेंस का कंप्लीट पैकेज। 21 मुख्यमंत्री बनते ही पहले तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस लौटाए। 22 फिर बिजली की दरों में 50% की कटौती की घोषणा कर दी। 23 दिल्ली पुलिस व केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ उन्होंने धरना भी दिया। 24 इसके बाद रिटेल सेक्टर में FDI को खारिज किया और सबसे बाद जाते जाते फरवरी 2014 में उन्होंने भूतपूर्व व वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा व वीरप्पा मोइली तथा भारत के सभी बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी व उनकी कंपनी रिलायंस के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए। 25 लोकपाल बिल भी एक प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर उनका दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, विपक्षी दल भाजपा और यहां तक कि समर्थक दल कांग्रेस से भी गतिरोध बना रहा। 26 लोकपाल मुद्दे पर हुए आंदोलन से ही अरविंद पहली बार देश में जाने गए थे। वे इसे कानूनी रूप देने के लिए प्रतिबद्ध थे, परंतु विपक्षी दल कांग्रेस एवं भाजपा बिल ने बिल को असंवैधानिक बताकर विधानसभा में बिल पेश करने का लगातार विरोध किया। विरोध के चलते 14 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में ये बिल रखा ही न जा सका। 27 विधानसभा में कांग्रेस और BJP के लोकपाल बिल के विरोध में एक हो जाने पर और भ्रष्ट नेताओं पर लगाम कसने वाले इस लोकपाल बिल के गिर जाने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1995 में अरविंद ने 1993 के बैच के IRS अधिकारी सुनीता से शादी की है। उन्होंने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में आयकर आयुक्त के रूप में 2016 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। इस युगल के 2 बच्चे हैं, केजरीवाल शाकाहारी हैं और कई वर्षों से विपश्यना ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। 3 दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।